अशोक कृष्णा ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया था कि आज जो मेरे देवर की बेटी का जो फंक्शन है वो आज ही है, तो मैं इस तरह से रेडी हो चुकी हूँ और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर से मिलाती हूँ। जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी है इस तरीके से, और अपने बेटे से मिलाती हूँ। और ये है मेरा बेटा, और मेरे हस्बैंड से तो आप मिल चुके हैं, तो मैं अपनी मदर इन लॉ से भी आपको मिलाती हूँ। मम्मी आइए। और ये है मेरी मदर इन लॉ, और ये योगा बहुत अच्छा सिखाती है, इनका वीडियो भी मैं डालूंगी, तो बहुत जल्द इनका ब्लॉग डालूंगी मैं। और अपने हस्बैंड से ही मिलवाती हूँ मैं। हाय फ्रेंड्स। तो ये तो मेरे हस्बैंड आपको पता ही है, बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले पता क्या किया था, इन्होंने पहनी थी व्हाइट रंग की शर्ट, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, जो कि ये नॉर्मल रूटीन में पहनते हैं। मैंने उनको बोला शर्ट चेंज करो आप, और देखिए अभी अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं है कपड़ों में, और मुझे जो मिलता है मैं वो पहन लेता हूँ, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। और शादी के पहले भी मेरा ऐसे ही रहता था, लेकिन शादी के बाद जो है मैं अब अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनता, तो मेरी वाइफ जो है सिलेक्ट करती है जो भी कुछ है। और आप देख सकते हैं जैसा भी रेडी हूँ मैं अभी तैयार होकर, वो सब मेरी वाइफ की, और ये कपड़े भी मेरी वाइफ के ही पसंद किए हुए हैं। और एक फैमिली मेंबर से मैं आपको और मिलाना चाहूंगी, जिनको आपने यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा, और वो मेरी ननद भी है, तो मैं आपको मिलवाती हूँ। तो दीदी आइए। तो इनको तो आप YouTube पे बहुत बार देख चुके होंगे, और इनका चैनल है YouTube पे geetakinu.com के नाम से, और इनको तो सभी जानते हैं। तो दीदी आप भी कुछ बोलो। हाय गाइस, मैं गीता वर्मा, geetakinu.com में आपने बहुत बार देखा होगा, और पहले ही मैं ब्लॉग शेयर कर चुकी जहाँ पे मैंने बताया था सुषमा की रसोई जो आप देखते हैं, ये सुषमा मेरी भाभी है और मैं इनकी नन हूँ। तो बहुत अच्छी है इनका ये नया चैनल है, प्लीज प्रमोट कीजिए इसे और आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर व्लॉग पसंद आता है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा शेयर करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 मई को मेरे छोटे भाई के जो बिटिया हुई है उसकी पार्टी है, तो आज हम बिल्कुल रेडी है, तो चलते हैं वही वेन्यू पे। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं वेन्यू की तरफ। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे, तो चलिए चलते हैं वेन्यू पे।
बोलूंगी इसको, मैंने नन्नू नहीं बोला था, गुड्डो बोल दिया तो नन्नू बोल ए गुड्डो। देखो चालू है। तो ये रही हमारी छोटी सी गुड़िया, इसका नाम है आरोही, इसके पापा ने नाम रखा है आरोही। देखो कितनी प्यारी है, इधर से लो ना, फ्रंट से लो। और ये है मेरी देवरानी। हाय कर, हाय कर, हाय। तो फ्रेंड्स, मैं अपने छोटे भाई से मिलाने जा रहा हूँ, जिसके बच्चे की पार्टी में आज हम आए हुए हैं। तो ये है मेरा छोटा भाई आलोक, और मैं आपको बता दूँ कि आपने यूट्यूब पर इसको भी देखा होगा शायद, और इसका भी चैनल है, तो ये भी खुद बताएगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है आलोक फिटनेस आइडिया, और उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं नई नई वीडियोज हर रोज डालता रहता हूँ, और आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था कि मेरे भाई की शादी सन 2010 में हुई थी, और बहुत लंबे टाइम के बाद इनके घर में एक छोटी सी बेबी हुई है। काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी इनके साथ, और काफ़ी जगह इन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया था, मैंने आपको जैसे बताया था, और ये इतनी परेशानी से गुजर चुके हैं, और इतनी जगह इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया कि आप समझ नहीं सकते। कोई हकीम, कोई वैद, कोई भी डॉक्टर इन्होंने छोड़ा नहीं है, और इतनी परेशानी के बाद इनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आज ये खुद दूसरे को गाइड करने लायक हो गए हैं, ताकि ऐसे कोई भी पेरेंट्स हों जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, और कोई भी जो कपल हैं जिनको कि बच्चा नहीं है या कोई कोई दिक्कत है, आज इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप ये मतलब जो जिसको भी ये गाइड करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो ये अपने एक्सपीरियंस को उस चैनल पे शेयर करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी मिलता है इससे। तो मैं चाहूँगा कि आप इनके चैनल को ज़रूर देखें, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है या फिर आगे उनको शेयर भी करें। तो और मैं आगे मिलवाना चाहूँगा, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बात आ गया है। तो मैं बताई थी मेरी देवर का चैनल का नाम है आलोक फिटनेस आइडिया, तो आप उस पर जरूर जाके देखें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और हम लोग को भी सपोर्ट करें, हमारा भी चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा विशेष दें, बेस्ट विशेष दें। तो कुछ मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे देवर भी आपसे बोलें। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है 9 साल करीब जो है मैंने ट्रीटमेंट करवाया इनफर्टिलिटी का, और जिससे मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट कराया, यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, और तरह तरह के मैंने डॉक्टर्स बदले उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है इन 9 सालों में, जो जो हमने परेशानियाँ उठाई हैं, वो अपने हर वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ, ताकि मेरे जैसे और किसी को परेशानी ना हो, और जो जो गलतियाँ मैंने की हैं वो भी मैं बताता हूँ, ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें और भविष्य में आपको ऐसी कोई परेशानी ना हो। मेरी वीडियोस हर किसी के लिए, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे वो मैरिड हो। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें आलोक फिटनेस आइडियाज़, और उसमें आपको नई नई वीडियोज़ रोज़ाना मिलेगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, पार्टी ओवर हो चुकी है, और आज खूब डांस किया हमने, खूब इंजॉय करा, पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा हाल हो चुका है। मैंने भी बहुत डांस करा, मैंने भी बहुत डांस करा, और ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, और इसने भी बहुत डांस करा, इंजॉय करा। यह बल्कि गुस्सा भी हो गया कि डीजे जल्दी बंद हो गया, और ये बहुत खूब सा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है मेरा।